नीमच जिले में एथेनॉल बनाने के लिए भारतीय खाद निगम FCI के गोदामों से चावल मिलना बंद होने की खबर है, जिसके कारण जिले में दो फैक्ट्रियां दोनों बंद होने की कगार पर है। एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरियों ने यह शिकायत करते हुए बताया कि पिछले एक हफ्ते से उन्हें चावल नहीं मिल रहा है। इससे ईंधन में एथेनॉल मिलाने का देश का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लड़खड़ा सकता है। बता दें कि चावल की आपूर्ति रुकने से देश में करीब 100 डिस्टिलरियों का एथेनॉल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इन डिस्टिलरियों में एथेनॉल बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल होता है, जो FCI से ही आता है। वे चावल को स्टार्च में बदलती है, जिसे एथेनॉल तैयार किया जाता है। उद्योग भागीदारों ने बताया कि कुछ डिस्टिलरी दो तरह का कच्चा माल इस्तेमाल करती है। चीनी के सीजन में गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता है और साल के बाकी महीनों में अनाज का इस्तेमाल होता है, मगर उन पर भी असर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक FCI ने आधिकारिक तौर पर इस निर्णय के पीछे का कारण नहीं बताया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि अनाज की बढ़ती कीमतों और 2023-2024 फसल वर्ष में कम बारिश और उसके बाद बाढ़ के कारण धान की उपज कम रहने की आशंका में ही ऐसा किया गया है। पिछले सप्ताह निर्यात पर प्रतिबंध भी इन्हीं दो कारणों से लगाया गया है।